आज सुबह साइक्लोन विपर्जय नॉर्थ नॉर्थ ईस्टवर्ड गति करते हुए सौराष्ट्र कच्छ कोस्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और जखाओ से लगभग 180 किलोमीटर दूरी पे साउथ वेस्ट दिशा पे नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी में केंद्रीभूत है। अभी इसका जो विंड स्पीड है वो भी 125 टू 135 गोस्टिंग टू 150 किलोमीटर पर आवर चल रहा है और आज शाम तक ये तट के पास पहुंचेगा और जखाओ के आसपास सौराष्ट्र कच्छ और पाकिस्तान कोस्ट को हिट करेगा और तब इसका विंड स्पीड 115 to 125 KMPH गोस्टिंग टू 140 KMPH होने का पूर्वानुमान किया गया है, जो कि एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म है। पहले के मुकाबले का इंटेंसिटी के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। जैसे हमने पहले बताया था कि आज साइक्लोन थोड़ा सा वीक होने का संभावना था और 125 to 135 विंड स्पीड हम एक्सपेक्ट कर रहे थे सुबह और ऐसे ही हुआ है। थोड़ा से विंड स्पीड अभी साइक्लोन के सेंटर के आसपास कम हुआ है, मगर फिर ये एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ये एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म है और ये आगे नॉर्थ ईस्ट दिशा पे सौराष्ट्र कच्छ और एडजन पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा है। बस सर एक छोटा सा मैं ये चाह रहा था कि थोड़ा ऐसा एक्सप्लेन कर दीजिए कि जो आम लोग हैं उनको समझ में थोड़ा आ जाए कि गंभीर कितनी स्थिति और किस तरह से। ये एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म है और इसका डैमेजिंग पोटेंशियल है। इसमें पेड़ गिर सकता है, ब्रांच गिर सकता है और जो छोटे मकान है जैसे थचड़ हाउस है, स्लम्स है, मिट्टी का घर है और टीन हाउस है, एस्बेस्टस है घर है, ये सभी इसमें डैमेज हो सकता है। और इसके साथ साथ टाइडल वेव भी आ सकता है जब साइक्लोन तट के पास आएगा और हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल के साथ साथ कुछ इलाके में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल हो सकता है, ये जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स है। वही बात मैं बोल रहा हूँ, जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट से कच्छ से शुरू करके यहाँ जो पोरबंदर है कि द्वारिका है, ये सभी जिले में विंड स्पीड ज़्यादा रहेगा और यहाँ सबसे ज़्यादा हैवी रेनफॉल टू एक्सट्रीम हैवी रेनफॉल होगा और कच्छ एरिया में स्पेशली टाइडल वेव आ सकता है 2 to 3 meters।